उधमसिंह नगर के बाजपुर ब्लॉक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लाभार्थियों के साथ वर्चुअली चर्चा की। इससे पहले कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री व सांसद अजय भट्ट ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि ब्लॉक परिसर में विभिन्न विभागों की तरफ से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए, जहां जनजाति कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान सांसद अजय भट्ट व गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने दर्जनों महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भेंट की। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और लाखों रुपए के चेक वितरित किए। वहीं भट्ट ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में जहां पर भी हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, वहां हमारे सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि जाएंगे, जो भी कमियां पाई जाएंगी उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के तहत शिवपुरी की आदिवासी महिलाओं से बात की, जिसमें शिवपुरी गांव निवासी आदिवासी महिला की बात सुनकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपकी बात सुनकर मैं प्रभावित हो गया। हमारे जितने आदिवासी क्षेत्र हैं वो वंचित थे पेयजल से, वंचित थे शिक्षा से, वंचित थे कनेक्टिविटी से, संस्कारों से, संस्कृति से, सारी चीज़ों को वंचित थे, जल से, पेयजल से। एक एक करके हर समस्या का समाधान हमारी इन योजनाओं में किया जाएगा। बहुत बड़ा अमाउंट आज इसके लिए स्वीकृत कर दिया गया है और जहां पर भी इस समय हमारे आदिवासी भाई रहते हैं वहां पर हमारे सरकारी अधिकारी जाएंगे, जनप्रतिनिधि जाएंगे, हम लोग सब जाएंगे। जो भी कमियां हैं वो सारी पूर्ति की जाएंगी। कोई छोटा उद्योग लगाना चाहे, बड़ा उद्योग लगाना चाहे, जानवरों को पाल के अपनी आजीविका चलाना चाहे, या फिर वनों पर आधारित, जहाँ वनों में हमारे आदिवासी लोग रहते हैं उन पर आधारित आजीविका जो हमारी चलाने का हमने कार्यक्रम लिए गए हैं उनको करना चाहे, तो ये सारी की सारी चीज़ें, इतिहास एक नया करवट ले रहा है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं, ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा सोच दिया कि अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए लोग बराबरी में आ जाएं, तभी इस देश की उन्नति होगी। और बच्चों का जो कद है, बच्चों की शिक्षा से बढ़ता है। कोई आईएएस बने, कोई आईपीएस बने, कोई आर्मी में जाए, कोई वकील बने, कोई जज बने, तो सारे लोगों को आगे उभारा जा रहा है और हर कमियों की पूर्ति की जा रही है। ये सचमुच एक ऐतिहासिक काम आज हुआ है पूरे देश में।